माँ बोली था मैंने प्यार घना के अंग्रेजी आती ना, मैंने मान से हरियाणवी पे जो अंग्रेजा ने भी आती ना, अरे बर्गर में वो मजा नहीं, बर्गर में वो मजा नहीं जो मजा बस रहा खाने में, मैंने भाषा तो कही ना वैसे पर मजा से देसी। दुनिया में कितने चले जाइयो पर याद रखियो भाइयो रे, अपने अपने बालका ने अपना गांव जरूर दिखाइयो रे। क्यों दिखाइयो? आज भाई साहब साहब बता रहे थे कि बंसारी की फोक पे इन्होंने शोध किया है और एक पूरा डिपार्टमेंट ही खोल दिया। मैं पूछता हूं सर आपके लिए कि आपने एक छोटी सी फोक आर्ट को पूरी इंटरनेशनली बना दिया और बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो, गाँव में क्यों जाए? दुनिया में कितना चले जाइयो पर याद रखियो भाई हो रहे, अपने अपने बच्चा ने अपना गांव जरूर दिखाइयो रे। क्यों? हरे गांव के पितर देवते राजी हो जा थारे आने में, मन भाषा तो गया वैसे पर मजा से देसी। कि मैं एसी चला के भी कहते उफ गर्मी बहुत ही ज्यादा है, कि मैं गांव में कहते तोड़े का तो किला बज रहा आता है, वो मजा नहीं चौमीन में, वो मजा नहीं चाउमीन में, वो मजा नहीं चाउमीन में जो गुहाड़े की जलेबी खाने में, भाषा तो गैया में से मजा से देसी। मेरे दादा ने घर चिड़िया गांव का चुने इंटर गारा में, मेरे बापू की ड्यूटी लगी थी कसी एर तगारा में, उस कड़ियारे घर की नारो ये न्यारी ये सिरक थी। मेरे छोटे भाई बहनों, केवल तुम्हारा तुम्हारा नहीं, मैं तुम्हारे माँ बाप का भी दर्द गा के जाऊंगा। तुम्हें तीन दिन बाद पता लगेगा कि मैं क्या बोल गया जब तुम रिकॉर्डिंग देखोगे। उस कड़ियारे घर की नारो न्यारी ये सिरक थी, इब सेक्टर आई कोठी में मेरा मेरा। ये वो गाना है जिसने मुझे दुनिया के 12 देश बताए। सबसे पहले आई गेट ए कॉल फ्रॉम जर्मनी और उन्होंने कहा कि आपका एक सेक्टर वाली कोठी है, हमने कोई यूट्यूब पर सुन लिया। थैंक यू यूट्यूब यार, सोशल मीडिया के नुकसान है तो फायदे भी, लेकिन आप एक बात सब समझ लें, सोशल मीडिया आपकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। आज फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड है लेकिन अपने सगे भाई से बातचीत बंद है, रिश्तों का ऐसे खून मत करना फेसबुक। ये बच्चों रिश्ते हैं दोस्तों, जल्दी जुड़ते हैं जल्दी जुड़ते हैं, लेकिन जो रिश्ता आप बैठ के बनाओगे, जो रिश्ता आप चर्चा करके बनाओगे, जो रिश्ता आंखों में आके डाल के आओगे, चाहे दोस्त का है, भाई बहन का है, मित्रता का है, प्रेम का है, वो रिश्ता बहुत लंबा चला और रिश्तों की गहराई और खूबसूरती इसलिए कि लंबा चला। थोड़े टाइम में तो रेल में छोड़ जाए, माझे बच्चा की पीसिया करती हाथ बटाया करता मैं, किस किसी माँ ने माने चाकी पीस रखी मुझे बता सकते? सौभाग्यशाली और जिंदगी माओ ने चाकी पीस रखी, माँ जब चाकी पीसिया करती हाथ बटाया करता मैं, फेरा करता भाई डंडा सा गहरे लाया करता मैं, फिर खोर में लुक जाते थे दादी गाँव में क्या करती, जीत गए सारे कमीन खोर कुंडी करती, मारूंगी मैं जानता भैंस के ऊपर खाओगी, फिर खोर में लुक जाते थे दादी गाड़ पर क्या करती, गजेंद्र फोगाट का सेक्टर में कति नहीं तख्ती, किस किसने पोती, किसने नहीं पोती, बहुत कम होगा, तख्ती पोती 70 मारे, 70 तो नहीं नहीं तख्ती पोती 70 मारे, मने खूब बनाई शाही रे, डंडे खाए मास्टर के फिर जाके आई पढ़ाई। एक समय था किसी साहब जब टीचर डंडे मार दिया करते थे तो घर जाके बताते नहीं थे, क्यों? बाबू भी पीटेगा, पेरेंट्स भी मारते थे। और आज अगर किसी बच्चे को डंडा मार दिया, मां हाथ पकड़ी उसी टाइम, हाउ कैन यू स्लैप माय बॉय, आई कैन यूज दिस डंडा, आई थिंक मैंने हाफ हाफ लिख रुपीज फॉर अ सिंगल ईयर, दिस इज नॉट डन मैन। ये जो स्कूल बने हैं ना,
शिक्षा की दुकानें, भारी भारी वस्तुओं वाले। मैंने लिखा भी था कि टूटी पेंसिल, घिसी रबड़, फटी किताबें, जिंदगी तुच्छे असफल मेरा सुकून का बस्ता था। आज बस्ते सजे हुए हैं लेकिन बच्चे बीमार हैं। मैडम ने लिख के दे दिया कॉपी पे, बच्चे को नहला के भेजा करो, इसमें से बांस आती है। उसकी माँ ने लिख दिया तू बाल का रपट आएगा, सुन गया ना। सत्तर मारे मारे घूर बनाई शाही रे, डंडे खाए मास्टर के, फिर जाके आई पढ़ाई रे। वो मेरी तकदीरों में पोत मन है, मारे धस जाते थे सारे बाजू रेता में। फिर क्या करते थे, फिर कुएं पे नहा के खाते थे रोटी धन के घी। गजेंद्र बोगाट का सेक्टर में बोहिए में तो रोटी लेकर गुड़की के लिए खाना रे। बैठ गजेंद्र सोच कैसे आवे टाइम पुराना रे। वही मैं रोटी लेके गुड़की के ना खाना रे। बैठ के जिंदर सोचे कैसे आवे टाइम पुराना रे। वो बचपन वाली खुशी करोड़ा में नहीं मिलती, मुझे अपने बचपन की वो अमीरी अब तक याद है। मुझे अपने बचपन की वो अमीरी अब तक याद है जब पानी में अपने भी जहाज चला करते थे।